हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे डाइजेशन होता क्या है और हमारी बॉडी के वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्टिव रोल प्ले करते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो खाना खाते हैं, जो फूड का हम इनटेक करते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं वो उस कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जी ले सके, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस हो सके, हमारे जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो सके। ठीक है, तो ये है डाइजेशन। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही डाइजेशन कहलाता है। अब हमारी बॉडी के वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो दो टाइप के ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दोस्तों होते हैं। एक तो वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और दूसरे वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, जिनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इन्हीं ऑर्गन्स को हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना हो, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस कौन से ऑर्गन से स्टार्ट होता है और कहां पर जाकर खत्म होता है और बीच में कौन कौन से ऑर्गन्स कहां कहां इन्वॉल्व होते हैं, तो उस सीक्वेंशियल ऑर्डर की लिस्ट आप ये देख रहे हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर खत्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वन बाय वन इन सभी ऑर्गन्स के हम फंक्शंस को समझेंगे कि कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। माउथ को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ का काम क्या होता है, फूड को इंजेस्ट करना, मतलब खाना मुंह में डालने का प्रोसेस ही माउथ का मेन काम होता है। इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। इन तीनों ऑर्गन्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहले बात करते हैं हम टीथ की। तो टीथ का क्या काम होता है, जो खाना हमने खाया है उसको च्यू करना, मतलब चबाना, और उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें चबाते हैं अपने दांतों की हेल्प से। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं, जिनमें से 8 इंसाइसर्स, 4 कैनाइंस, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर टीथ होते हैं। अब इन सभी टीथ का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि इंसाइसर की बात करें हम, तो वो बाइटिंग में काम आते हैं मेनली। कैनाइन टीथ जो होते हैं वो थोड़े पॉइंटेड होते हैं, जो कि आमतौर से कहा जाता है कि जो हम नॉन वेज फूड खाते हैं तो ये पॉइंटेड टीथ उस समय हमारी काफी हेल्प करते हैं। और अगर प्रीमोलर्स और मोलर्स की बात की जाए तो इनका जो मेन काम होता है वो फूड को च्यू करना होता है, चबाना होता है। तो ये टीथ का मेन फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम टंग की। हमारी जो टंग होती है वो भी माउथ के अंदर ही होती है। टंग का क्या काम होता है, मेनली तीन काम होते हैं टंग के। पहला तो काम होता है फूड को इधर से उधर मूव करना, क्योंकि जिस समय हम खाने को चबा रहे हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो मूवमेंट हो रहा है हमारे माउथ के अंदर खाने का, वो टंग की हेल्प से ही होता है। दूसरा जो फंक्शन है हमारी टंग का वो ये है कि फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारी टंग का वो क्या होता है, टंग एक टेस्ट रिसेप्टर का काम करती है। मतलब हमने क्या खाया है उसका टेस्ट कैसा है, वो स्वीट है, वो सॉल्टी है, सावर है, बिटर है, ये हमें किससे पता चलता है, उन टेस्ट रिसेप्टर से जो कि हमारी टंग में होते हैं। स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है, हमारे टंग का कौन सा वाला पार्ट कौन से टाइप के टेस्ट को पता करने में हेल्प करता है, ये आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो टंग का रोल भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सेलिवरी ग्लैंड्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा हमारा माउथ हर समय एक वेट कंडीशन में होता है, हमारी जो टंग है वो भीगी हुई रहती है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें भी सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा एक्चुअली होता क्या है, सलाइवा एक वॉटरी लिक्विड होता है जिसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनमें सबसे मेन होता है सेलिवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में काम आता है। अब कितने टाइप की सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं? तो मेनली तीन टाइप की सेलिवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिनमें है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो इन ग्लैंड्स के नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात का और ध्यान रखेंगे आप, हम जब खाने को अपनी टीथ की हेल्प से चबाते हैं तो चबा हुआ जो खाना होता है उसमें जब सलाइवा मिक्स हो जाती है तो सलाइवा मिक्स्ड च्यूड फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप, बोलस। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आया, मैंने आपको माउथ के बारे में बताया। माउथ के अंदर तीन ऑर्गन्स होते हैं, टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स। इन तीनों का क्या क्या रोल होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं अगले ऑर्गन की, जो कि है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं। अब खाना क्या होता है, जब हमने खाना चबा लिया है तो वो हम स्वेलो करेंगे, मतलब निगलेंगे, तो निगलने के बाद खाना हमारे अगले जंक्शन में पहुंचता है जो कि है फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या काम होता है,
फेलिस का यही काम होता है कि वो खाने को ट्रांसफर करके अपने से अगले जंक्शन में पहुंचा दे, जो कि है एसोफेगस। ठीक है, तो फेलिस का सिर्फ इतना सा काम है कि खाने को वो अगले जंक्शन में पहुंचाने में हेल्प करता है। तो इतना बस याद रखें आप फेलिस के बारे में। उसके बाद आता है एसोफेगस। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। एसोफेगस क्या होता है? एसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का ऑर्गन होता है जो कि फूड को हमारे स्टमक तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे स्टमक तक फूड कौन सा ऑर्गन लेकर जाता है? एसोफेगस लेकर जाता है, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। एसोफेगस की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। तो एसोफेगस के बारे में आपको पता चल गया। अब हमारा फूड कहां पहुंच गया है? अगले जंक्शन में पहुंच गया है, जो कि है स्टमक। अब स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक में बहुत कुछ होता है, तो स्टमक के बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इंग्लिश में आपने अल्फाबेट देखा है जे, तो थोड़ा उसी शेप का होता है हमारा स्टमक, जो कि थिक इलास्टिक मसल से बना हुआ होता है। मतलब उसकी जो मसल्स होती हैं उनमें बहुत इलास्टिसिटी होती है, खिंचाव होता है। और दोस्तों हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं वो क्या करती हैं? वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करती हैं। कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूसेस? HCL, म्यूकस, गैस्ट्रिक एंजाइम्स के अंदर पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज आ जाते हैं। ये जो दोस्तों आपको पेप्सिन लिखा हुआ दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टमक के अंदर। पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे स्टमक में जो सबसे मेन काम होता है वो यही होता है कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है। इसके अलावा जो आपको लाइपेज दिख रहा है, लाइपेज का क्या काम होता है? फैट को ब्रेक डाउन करना। और रेनिन का जो काम होता है वो भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना ही होता है, लेकिन रेनिन जो है वो स्मॉल चिल्ड्रन में काम करती है, जबकि पेप्सिन एडल्ट्स में काम करती है। इसके साथ साथ हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसे एक्टिव करने के लिए HCL की जरूरत होती है। तो ये जो HCL आपको एंजाइम दिख रहा है, HCL हेल्प करता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके। और HCL का एक और काम होता है, वो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। इनके अलावा जो म्यूकस है, म्यूकस का क्या काम होता है? जो फूड हमारे स्टमक में इस समय है उसे लुब्रिकेट करना, मतलब फिसलनदार थोड़ा बनाना, ताकि एक जगह से दूसरी जगह और इजीली वो पहुंच सके। इसके अलावा HCL से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना भी होता है। ठीक है, तो इन गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में भी हमें पता चल गया, जो कि स्टमक की वॉल सिक्रेट करती हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पेप्सिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्टमक के अंदर। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टमक में मेनली प्रोटीन ही डाइजेस्ट होती है, फैट डाइजेस्ट बहुत कम मात्रा में होती है। हम कह सकते हैं कि अगर 97% प्रोटीन हो रही है तो सिर्फ 3% ही फैट हो रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल अमाउंट है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है दोस्तों, अब स्टमक क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी जानना हमारे लिए जरूरी है। अब स्टमक के मेनली हम कह सकते हैं कि चार मेजर फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला, फूड को स्टोर करना। अभी तक आपने क्या देखा था? ऊपर के जो ऑर्गन्स थे, माउथ में हमने खाने को थोड़ी देर चबाया, फेरिंग से वो ट्रांसफर होकर एसोफेगस में आया, एसोफेगस से वो ट्रांसफर होकर हमारे स्टमक में पहुंचा। लेकिन स्टमक से वो इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं होता, स्टमक में एक लंबे समय तक फूड स्टोर होता है। तो स्टमक का एक खास फंक्शन ये भी है कि वो फूड को देर तक स्टोर करता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड हमने खाया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो फूड हमारे स्टमक के अंदर 1 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, 3 घंटे, 4, 5, 6 घंटे तक भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फूड वी टुक। दूसरा फंक्शन क्या होता है स्टमक का? पार्शियल डाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है, फैट बहुत ही कम मात्रा में होती है, और प्रोटीन भी पूरी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो स्टमक क्या करता है? पार्शियली फूड को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, हमारा फूड जो है वो पूरी तरह से पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि अभी आगे जाकर के डाइजेस्ट होगा, अगले जंक्शन में डाइजेस्ट होगा। तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है मैकेनिकल चर्निंग। अब चर्निंग क्या होती है? किसी भी चीज को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके उसे मिक्स कर देना। तो हमारे स्टमक के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्टमक की वॉल्स बहुत इलास्टिक होती हैं, दूसरा हमारा जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो पूरी तरीके से चर्न हो जाता है। और चौथा फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ काइम। काइम क्या है दोस्तों? काइम चर्न्ड फूड है जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस भी हैं। गैस्ट्रिक जूसेस मतलब स्टमक जो जूसेस सिक्रीट करता है वो वाले जूसेस भी हैं, प्लस उसमें सलाइवा ने जो सिक्रीट किया है सेलेवरी एमाइलेज वो भी उसमें मिक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं काइम। काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो काइम है मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो अगले जंक्शन में पहुंचता है, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे फूड का जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। स्टमक में क्या था? फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था,
लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लगभग 6 से 9 मीटर के बीच एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉइल के फॉर्म में अरेंज होता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है। एक बात को और ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ऑर्गन होता है। नाम तो इसका स्मॉल है लेकिन एक्चुअली में यह सबसे लंबा ऑर्गन होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम अगले फंक्शन पर पहुंचेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम डुओडेनम, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं जिजनम और तीसरे पार्ट को बोलते हैं हम इलियम। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स हैं, इनके अंदर ही अलग अलग स्टेप्स में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन भी अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले डुओडेनम काइम को रिसीव करता है हमारे स्टमक से। काइम क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्टमक से कहां आया? स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में आया जो कि डुओडेनम का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और फिर वहां पर प्रोसेसिंग हुई, आगे कुछ प्रोसेस जिजनम में हुआ और फिर कुछ प्रोसेस इलियम में भी हुआ। और इलियम के बाद क्या हुआ? हमारा जो फूड है वो अगले जंक्शन में पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ें, हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानना जरूरी है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो हमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा जब भी हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आपने देखा मैंने डुओडेनम में क्या बताया, हमारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसे हम काइम बोलते हैं वो डुओडेनम में आया। तो डुओडेनम में प्रोसेसिंग कैसे स्टार्ट हुई? अब डुओडेनम से हमारे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन कनेक्ट होते हैं जो कि डुओडेनम में डाइजेस्टिव जूसेस भेजते हैं, जिसकी वजह से ही डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ हो पाता है। तो उन 3 ऑर्गन के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 ऑर्गन्स हैं? लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। ये 3 ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले डाइजेशन में। क्या क्या रोल है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लीवर की। लीवर दोस्तों हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका वेट लगभग 1.5 किलो होता है। अब लीवर क्या करता है? लीवर एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल। नाम याद रखिएगा, बाइल। बाइल क्या है? एक ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस है जो कि क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब दोस्तों ये जो लीवर ने बाइल प्रोड्यूस किया है वो क्या करता है? हमारे गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक पी शेप्ड स्मॉल ऑर्गन होता है जो कि हमारे लीवर के पीछे की साइड छोटा सा एक ऑर्गन दिखता है हमें, और जिस समय रिक्वायरमेंट होती है उस समय हमारे गॉल ब्लैडर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में चला जाता है। और इन दोनों ऑर्गन से अलग एक तीसरा ऑर्गन भी होता है, पैंक्रियास। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेशन में। पैंक्रियास का क्या काम होता है? पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करना। कौन कौन से पैंक्रियाटिक जूसेस? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। और लाइपेज का क्या काम होता है? फैट्स का डाइजेशन। अब ये पैंक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं? ये पैंक्रियाटिक जूसेस भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में एंटर होते हैं जिस समय रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 ऑर्गन के बारे में आपको समझ आया मैंने आपको क्या बताया। अब एक बार फिर से हम वापस स्मॉल इंटेस्टाइन पर लौटते हैं। देखिए, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको 3 पार्ट बताए थे, डुओडेनम, जिजनम और इलियम। डुओडेनम में क्या क्या होता है? डुओडेनम काइम को रिसीव करता है, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है जो कि हमारे स्टमक से आता है। दूसरा क्या काम होता है? बाइल को रिसीव करता है जो कि कहां से आता है? लीवर से आता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हुए इधर आता है। और तीसरा मैंने आपको बताया, डुओडेनम में पैंक्रियाटिक जूसेस कहां से आते हैं? हमारे पैंक्रियास से आते हैं। कौन कौन से पैंक्रियाटिक जूसेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये सब मिलकर के क्या करते हैं? हमारे फूड को फुल्ली डाइजेस्ट करते हैं। स्टमक तक वो पार्शियली डाइजेस्ट था लेकिन यहाँ पर आकर के वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ पार्ट डुओडेनम में डाइजेस्ट होता है, कुछ जिजनम में, कुछ इलियम में डाइजेस्ट होता है। और फाइनली क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विलाइज होती हैं, वो हमारे फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो बाकी का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है वो इलियम से होता हुआ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन को दोस्तों हम कोलन भी बोल देते हैं कभी कभी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। तो ध्यान रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है लेकिन इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। अब ऐसा क्यों है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, मतलब उसकी मोटाई ज्यादा होती है लेकिन लंबाई कम होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है लेकिन उसकी लेंथ ज्यादा होती है। इसको देखते हुए ही इनका नाम रखा गया है। तो हम बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन की, कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर अप्रोक्स होती है।
लार्ज इंटेस्टाइन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ये है कि यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि सोडियम पोटेशियम वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने मेन क्या बातें बताई आपको, मैंने इसकी लेंथ बताई आपको, दूसरा इसके चार डिवीजन किए गए हैं, तीसरी बात मैंने आपको बताई कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम वाटर एब्जॉर्ब करना होता है और यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता, और लास्ट में क्या होता है, अब जो बचा हुआ हमारा फूड होता है जो बिल्कुल वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अगले जंक्शन में ट्रांसफर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है जिसे हम फेसेस बोलते हैं या आम बोलचाल की भाषा में स्टूल वगैरह भी हम कह देते हैं, वो यहाँ तब तक स्टोर रहता है जब तक कि हमारी बॉडी से वो बाहर ना आ जाए। अब बाहर आने का काम किसके थ्रू होता है, तो वो है अगला ऑर्गन जिसका नाम है एनस। एनस का क्या काम होता है, एनस हमारे एलिमेंट्री कैनल का लास्ट ऑर्गन होता है। यहाँ से क्या होता है, जो फेसेस है वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से डाइजेशन का पूरा ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ आया, बिल्कुल सिंपल वर्ड से मैंने समझाने की कोशिश की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है और एक एक ऑर्गन का मैंने क्या स्पेसिफिक फंक्शन है वो भी आपको समझा दिया है। अब लास्ट में हम एक मिनट के अंदर पूरी वीडियो को समराइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं माउथ के थ्रू, माउथ को हम ओरल कैविटी या बगल कैविटी भी बोलते हैं, जिसे हमारे दांत चबाने का काम करते हैं और हमारी जो टंग है वो इसे मिक्स करने का काम करती है। हमारे टंग के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं और हमारे माउथ के अंदर जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सेलिवरी अमाइलेज सीक्रेट करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद क्या होता है, हम फूड को स्वेलो कर लेते हैं मतलब निगल लेते हैं फेरिंग्स के थ्रू, फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं। अब थ्रोट से होते हुए हमारा फूड अगले जंक्शन में पहुंचता है जिसे हम एसोफेगस बोलते हैं। एसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप से फूड ट्रांसफर होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है और वहां पर थोड़े समय के लिए फूड स्टोर होता है और फूड में थोड़ी प्रोसेसिंग होती है और फूड काइम में कन्वर्ट हो जाता है। काइम क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। अब ये कहीं अगले जंक्शन में पहुंचता है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपरी पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम में क्या होता है, हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर से बाइल आता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं जो कि फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और फूड का फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। उसके बाद ये बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड हमारे अगले जंक्शन में पहुंचता है जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है सिर्फ, डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये वेस्ट मटेरियल हमारे रेक्टम में पहुंचता है और रेक्टम से एनस के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।